ये बताओ, आपने सत्यनारायण की नई कथा सुनी कि नहीं सुनी है? जी देखते तो पढ़ती तो रहती सर। नहीं, वो तो सुनना पड़ेगी ना, वो तो वीडियो है, पूरा सुनना पड़ेगा। 30 मिनट का वीडियो है जो जी ये बता रहा है कि नारद मुनि जब उस समय मृतलोक में विचरण कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि हर प्राणी दुखी है, जी हर प्राणी जो है कष्ट में है। तो जी वो व्याकुल होके विष्णु धाम पहुंचे और उन्होंने प्रार्थना की कि साहब, मृतलोक में लोग बाग नाना प्रकार के दुख झेल रहे हैं, उनके कल्याण के लिए कोई उपाय बताइए। जी तब उस समय की सत्यनारायण कथा जो है का इजाद हुआ, जो हम और आप पढ़ते हैं, सत्यनारायण की कथा करते हैं, जिसमें ये बात कही गई है कि ये किसी भी समय कर किया जा सकता है, इसमें कोई अलग से वो करने की जरूरत नहीं है। ये बात है कि जी नहीं है? जी तो जो नए युग की सत्यनारायण कथा है, उसमें 4 अध्याय जो है आम लोगों के लिए हैं और 2 अध्याय राजनेताओं के लिए है, और उसमें फल दिया गया है कि कैसा फल होगा इस सत्यनारायण कथा के करने से, ये देश बदल जाएगा। 21 महालक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा, जिसमें जो है आज के जो घटिया नियम कानून जो गुलामों के लिए बनाए गए थे, उसमें आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा, जो दुर्भाग्य से हमारे राजनेताओं ने नए कानून बनाने के बाद भी, ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। आप मुझे बताइए, क्या नए कानून लागू होने से आपकी जिंदगी में कोई फर्क आया? कोई फर्क नहीं। क्या आपको थाने में सम्मान मिलने लगा? क्या आपकी थाने में सुनवाई होने लगी? कुछ नहीं है सर, केवल बताओ नाम बदल दिया उन्होंने, जैसे उन्होंने कहा 420 तो उन्होंने कहा 318। अब मैं वही कह रहा हूं। तो वही नहीं, लेकिन आपको जो कानून अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए और प्रक्रिया में उलझा कर ऐसी न्याय की देवी, जिनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, उसके माध्यम से आपको अन्याय देने के लिए जो व्यवस्था बनाई थी, आपको मालूम है कि जैसे चंद्रचूड़ ने जो पट्टी आंखों पर बंधी होती थी वो हटा दी, ये मालूम है कि नहीं आपको? हाँ, नहीं। ये बड़ा काम हो गया है। देश के जो है चीफ जस्टिस ये मान रहे हैं कि अब न्याय की देवी की आंखें खुली होना चाहिए और उन्हें न्याय करना चाहिए। जी आंखें बंद करके जो कुछ भी कोर्ट में हो रहा है, उसके माध्यम से अन्याय का जरिया नहीं बनना चाहिए। तो आपको जो है कानून में न्याय आमूल चूल परिवर्तन कर दिया जाएगा, संगे असंगे और सिविल ऑफेंस का अंतर खत्म हो जाएगा। जी आपको इन तीनों में से किसी को भी रिपोर्ट करने के लिए थाने जाने की जरूरत नहीं होगी और आपके विरुद्ध कोई झूठा मुकदमा भी नहीं कर पाएगा, राइट? क्योंकि जी झूठा मुकदमा करना, झूठी गवाही देना, झूठी विवेचना करना और झूठी वकालत करना, ये चारों जो है परजरी के बहुत गंभीर अपराध होंगे। इसको करने वाला जेल में सड़ेगा, मतलब आपके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट करने वाला, आपके विरुद्ध झूठी गवाही देने वाला, आपके विरुद्ध जो है झूठी विवेचना करने वाली पुलिस और झूठी जो है ना वकालत करने वाले वकील, ये सब जेल चले जाएंगे। ये है पहला जो है उसका जो आपको मिलने वाला है। और दूसरा, 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के माध्यम से, डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से पुलिस अधिकतम 15 दिन में चालान पेश कर सकेगी और अधिकांश साक्ष्य जो है वो उसी समय हैश वैल्यू से लॉक हो जाएंगे। लिहाजा आज की घटिया डीप फेक टेक्नोलॉजी भी उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं कर पाएगी। आज बताइए, हम रोज जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा के प्रताड़ित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे सर। तो इसमें आपको कोर्ट कचहरी नहीं जाना होगा, आप जो है पार्लियामेंट के सॉरी कोर्ट कचहरी नहीं जाना होगा, अपने घर में ही बैठकर आप डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से आपको न्याय मिल जाएगा।
और वो भी न्याय। तो आप कहेंगे कि आज जज जज जो है कोर्ट रूम में बैठ के उनके कोर्ट मुहर्रर घूस ले रहे हैं, तो आप जो है इन्हीं जजेस के माध्यम से न्याय कैसे देंगे? जहां अन्याय फैला हुआ है वहां न्याय कहाँ से मिलेगा? ये आपके जेहन में प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा? जी हाँ, तो आए। इसमें इसके लिए व्यवस्था की गई है कि दो तरीके की अपील होगी, एक अपील अगेंस्ट द जजमेंट, दूसरा अपील अगेंस्ट द जज। आज यदि आप अपील अगेंस्ट जज करेंगे तो आपको जेल में भेज देंगे कॉन्टेम्प्ट कोर्ट, कॉन्टेम्प्ट लगा के, राइट? तो कॉन्टेम्प्ट खत्म हो जाएगा, देर विल बी नो कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, राइट? जी ये एक्ट ही खत्म हो जाएगा, बल्कि आम आदमी को अधिकार मिल जाएगा कि वो अपील अगेंस्ट द जज कर सकता है। और यदि आप अपील अगेंस्ट जज कर रहे हैं, इसका मतलब है जज महोदय दुष्ट हैं, उन्होंने एविडेंस को नजरअंदाज करते हुए गलत जजमेंट दिया है, राइट? जी ऐसी स्थिति में जज महोदय को स्वयं कटघरे में खड़े होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना पाएगा, करना पड़ेगा। और यदि वो डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो वो डी पैनल हो जाएंगे। डी पैनल का मतलब है वो जज नहीं रहेंगे और जी उन्हें लाखों रुपए का हर्जाना देना होगा। अब बताओ ये जज महोदय आपको न्याय कर देंगे या अन्याय देंगे? ये तो देना ही पड़ेगा सर न्याय उन्हें। तो ऐसा ऐसी व्यवस्था होगी। फिर जो है डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से 5 साल के अंदर पुलिस इतनी सक्षम हो जाएगी और रिस्पॉन्स सिस्टम इतना सक्षम हो जाएगा कि विद पुलिस और बिना पुलिस अपराधियों को अपराध करने के पहले गिरफ्तार किया जा सकेगा। और फिर सभी अपराधियों को रिहैबिलिटेट कर दिया जाएगा अंडर फंडामेंटल राइट टू एम्प्लॉयमेंट। लिहाजा सभी लोग जो है वो ना केवल उनके पास रोजगार होगा बल्कि फंडामेंटल राइट हेल्थ का भी होगा, फूड का भी होगा, शिक्षा का भी होगा और प्रॉस्पेरिटी का और हैप्पीनेस का भी होगा। ऐसा अद्भुत भारत, और भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा दो मॉडल के माध्यम से पहुंचेगा, एक क्राइम फ्री भारत का रेवेन्यू मॉडल और दूसरा क्राइम फ्री भारत का पेपर करेंसी फ्री भारत विथ 2% ट्रांजेक्शन फीस। इन दो मॉडल के माध्यम से भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा हो जाएगा। लिहाजा भारत सरकार के साथ ये बाध्यता होगी कि वो आपसे टैक्स नहीं लेंगे। तो आपको टैक्स मुक्त भारत मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा सर। जब टैक्स मुक्त भारत होगा तो आप कितने तनाव से दूर हो जाएंगे, धन भी बचेगा और जी तनाव से भी बच जाएंगे। बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे? तो सही है सर। और फिर जो है हर भारतीय के दो अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और एक आपको पैसा देने वाला कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट, जिसको हम डेबिट अकाउंट का नाम ले रहे हैं। तो वो जी कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट होगा जहां से आपको बिना मांगे जब पैसे की जरूरत है अपने आप मिल जाएगा, और जब आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा आएगा तो अपने आप आसान किस्तों में पट जाएगा। तो आपको कर्ज मुक्त भारत मिल गया कि नहीं मिल गया? बिल्कुल मिल गया सर। आज कितने लोग जो है कर्ज के चक्कर में उन्हें बहुत जो है यातना को सहना पड़ता है, और मध्य प्रदेश अकेले में 18,000 किसानों ने आत्महत्या करने के लिए बेबस होना पड़ा और उन्हें कितना ह्यूमिलिएशन को सहना पड़ा। उनके ट्रैक्टर कुर्क हो गए, उनकी जमीनें कुर्क हो गईं और वो समाज में अपनी प्रतिष्ठा को नहीं बचा पाए। जी तो ऐसा अद्भुत भारत सत्यनारायण की कथा के प्रभाव से आपको मिल सकता है। उसे पाने के लिए आप सत्यनारायण कथा को सुने, जी राइट, जी और उसे सुनाएं। जी सर और उसमें जो है आपको कुछ करना नहीं है, एक संकल्प चाहिए कि क्या आपको अच्छा भारत चाहिए। अच्छा भारत का कंटूर मैंने आपको बता दिया है कि जी इसमें 21 महालक्ष्य हैं और समझ 5 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें आपको टैक्स भी नहीं देना होगा, आपको कर्ज नहीं लेना होगा और साथ में 5 फंडामेंटल राइट मिलेंगे। आपको सिर्फ एक ही संकल्प और शपथ लेना है कि हमें अपने बच्चों को अच्छा भारत देना है। जी तो ये संकल्प कठिन है क्या? जी सर और उस इस संकल्प की पूर्ति के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ना धन भी नहीं देना है, आपको कोई जुलूस नहीं निकालना है, जी आपको कोई धरना भी नहीं देना है,
आपको कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन नहीं देना है, किसी कोर्ट कचहरी में पिटीशन नहीं लगाना है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल नहीं लगाना है, और कहीं पर रामलीला मैदान या जंतर मंतर पर धरना नहीं देना है, और ये तो नहीं करना है, आपको अपना सोच, चिंतन और क्रियाकलाप भी नहीं बदलना है, और सिर्फ इतने संकल्प से कि हमें अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए, आपको सत्यनारायण कथा की प्रभाव से मैथिली शरण गुप्त के माध्यम से आपको अच्छा भारत मिल जाएगा। इससे और कुछ सरल हो सकता है क्या? जी नहीं हो सकता है। तो सत्यनारायण भगवान ने भी तो यही कहा था कि आप हमारी कथा करो तो कल्याण हो जाएगा। ये कथा यह भी बताती है कि किसको क्या फल मिलेगा यदि राजनेता अपने कर्तव्य का पालन कर लेंगे, उनके जो दो अध्याय हैं, तो उन्हें क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, ये आप विस्तार से सुनिए। क्या आप अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हैं? तो जैसे सत्यनारायण कथा कहते हैं उसके साथ इस कथा को भी करने लगिए, राइट जी। तो जो है ये बात जन जन तक पहुंच जाएगी। तो क्या आप सत्यनारायण कथा करेंगे? पहला सत्यनारायण कथा वो, और दूसरी का सत्यनारायण कथा का हिस्सा रहेगा जो मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं, और इसमें केवल आपको यही संकल्प लेना है कि हमें अच्छा भारत चाहिए। सत्यनारायण भगवान का कहना है कि जिसे अच्छा भारत नहीं चाहिए उसे जबरदस्ती अच्छा भारत नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब है कि वर्तमान दुर्व्यवस्था में, वर्तमान उत्पीड़न में, वर्तमान अपमान में यदि किसी व्यक्ति को आनंद आ रहा है तो मैथिली शरण गुप्त और सत्यनारायण भगवान उसे जो है उसके इस आनंद से वंचित नहीं रखेंगे, उसे इसमें आनंद लेने दीजिए। जब उसे अच्छे भारत की इच्छा जागृत हो जाए तब उसे सत्यनारायण कथा के तहत अच्छे भारत, अपने बच्चों को और अपने आप को अच्छा भारत देने का संकल्प लेने मात्र से। देखिए पुरानी सत्यनारायण कथा में भी संकल्प लेना होता था कि मैं सत्यनारायण की कथा करूंगा, याद है जी। सत्यनारायण की कथा का संकल्प लेते ही उनका जो है सब चीजें दुगने दाम पे बिक जाती थी और वो बड़ी आसानी से भगवान के प्रसाद आदि की व्यवस्था कर पाते थे। यही है उसमें कि नहीं है? है ना। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि यहाँ संकल्प अकेला ले लीजिए, आपको कोई पूजा पाठ नहीं करना है, कोई प्रसाद इकट्ठा नहीं करना है, और इसके बावजूद भी आपका महाकल्याण हो जाएगा। तो मिस्टर राकेश गुप्ता जी, जी क्या आपकी इसमें सहभागिता रहेगी और कितनी रहेगी? नहीं रहेगी सर, हमसे तो जो हो सकता है वो पूरी रहेगी। तो बस कुछ नहीं करना है, अपने लोगों को सत्यनारायण की कथा बुलाना, जगह जगह सत्यनारायण की कथा कराओ। भाग एक जो सत्यनारायण की कथा होगी और भाग दो में जो है ना नए युग की सत्यनारायण की कथा पढ़ा दीजिए, जो हमारे ऑलरेडी वीडियो पर है जी। जो आपको भेजा भी गया है, यदि आपको नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं उसकी दोबारा लिंक भेज दूंगा। जी सर। ठीक है जी सर। चलिए तो आप इस बारे में कुछ संदेश देना चाहते हैं? नहीं, हम इसकी अब चर्चा पूरी शुरू करेंगे सर। चलिए नहीं, आप तो एक काम करिए, इसमें सत्यनारायण कथा का ही आयोजन करना चालू कर दीजिए, और सत्यनारायण कथा तो खत्म होने के बाद जो है सत्यनारायण नए युग की सत्यनारायण कथा को भी सभी लोग बैठ के सुने। जी जी सर। ठीक है ना, तो अपने आप सुन लेंगे जी। एक सत्यनारायण की वो पुरानी वाली कथा और नए युग की सत्यनारायण की कथा, इसका आयोजन जगह जगह चालू करा दीजिए। आज ही से चालू कराएंगे सर। ठीक है, चलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।